सोलन के सलोगढ़ में बीते सोमवार की शाम एक आल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से नीचे गिर गई। यह हादसा सामने से आ रहे तेज रफ्तार वाहन को बचाते समय हुआ। कार में नवविवाहित जोड़ा एवं उनके सगे संबंधी बैठे थे। जानकारी के अनुसार कार में सवार लोग शिमला से कसौली जा रहे थे। कार को 30 वर्षीय अकरम सिंह चला रहा था, जिसके पिछले ही दिनों शादी हुई थी और वो भी अपनी बीवी के साथ ससुराल जा रहा था। सलोगढ़ में सामने से ओवरटेक कर रहे तेज रफ्तार वाहन को बचाते समय कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गई। कार में सवार सभी घायल लोगों को स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। एक्चुअली शिमला की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि सलोगढ़ में कुछ मतलब लोग काफी भीड़ इकट्ठी थी, तो कुछ पेशेंट को लेकर आ रहे थे, तो देखा तो वो एक्सीडेंट गाड़ी हुई हुई थी जिसमें मतलब एक जेंट्स और तीन लेडीज़ एक बच्ची जो इंजर्ड थे। 108 को फ़ोन किया लेकिन फ़ोन का मतलब एम्बुलेंस का कोई आने का होता ही नहीं है उनका कभी पेशेंट को। तो हम फिर अपने गाड़ी में उनको लेकर आए जहां सोलन में हमने एडमिट कराया, क्योंकि अब खतरे से काफ़ी बाहर है। मुझे आवाज़ आई ज़ोर से गाड़ी गिरने की, तो जैसे ही मैं ऊपर सड़क पर पहुँचा नेशनल हाईवे पर, तो एक आल्टो कार डंगे से सड़क सलोगड़ा से नीचे गिरी हुई थी और दो तीन लोगों के ज़्यादा चोटें लगी हुई थी। 108 को फ़ोन भी किया लेकिन 108 जब नहीं आई काफ़ी देर तक, फिर हमने अपनी प्राइवेट गाड़ियां अपनी लेकर के दो तीन गाड़ियां लेकर और घायलों को सोलन यहां हॉस्पिटल में लेके आए हैं। गाड़ी जो है वो शिमला की तरफ से आ रही थी और कसौली जा रही थी। ये इस गाड़ी में एक जेंट्स था, वो खुद ड्राइव कर रहे थे और उनकी नई नई शादी हुई थी, उनकी दुल्हन साथ थी और उनके परिवार के दो तीन लोग और थे। अर्थ प्रकाश के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।